नमस्कार। अपने छह पाठ्यक्रम से हो गए, अब अपन सातवें अध्याय का अध्ययन करेंगे। भूगोल के अंतर्गत सातवां जो पाठ है अपने है, और वो सातवां पाठ है मानव व्यवसाय। देखो मानव व्यवसाय के अंतर्गत क्या किया जाता है, यानी मनुष्य अपनी जीविका चलाने के लिए जो कार्य करता है, यानी मनुष्य अपना जीवन चलाने के लिए, या यूं कह सकते हैं जीवन निर्वाह करने के लिए, जीवन निर्वाह हेतु जो कार्य करता है, उसे तो क्या बोलते हैं, आर्थिक क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रिया। और आर्थिक क्रिया के माध्यम से ही उसको एक उसका एक पक्ष मजबूत होता है, अर्थतंत्र मजबूत होता है, जिसके कारण उसको क्या बोलेंगे, मानव व्यवसाय। यानी मनुष्य अपने जीवन निर्वाह करने के लिए तरह तरह की क्रियाएं करता है, उसी को क्या बोलते हैं, व्यवसाय बोलते हैं। अब देखो जो मनुष्य व्यवसाय करता है उसके अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें तो बहुत सारे क्षेत्र है, और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें तो पहले तो कितने क्षेत्र थे, तीन क्षेत्र थे, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, ये तीन ही क्षेत्र थे। बाद में भूगोल बताया था जीन गोडमैन, उसने दो क्षेत्र और बताए कि ये दो क्षेत्र और हैं। इस प्रकार से अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र बताए, पांच क्षेत्र बताए कुल, यानी 500 सेक्टरों में मनुष्य अलग अलग तरह की क्रियाएं करता है। अब देखो जो मनुष्य जो क्रियाएं करता है इन 500 सेक्टरों में, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक चतुर्थक और पंचम सेक्टर में, क्या इनकी प्रकृति सदैव से समान थी? इनकी प्रकृति सदैव से समान नहीं थी। तो देखो कब कब बदली और कहां कहां बदली। मानव व्यवसायों की, बदलती स्वरूप, बदलता स्वरूप या बदलती प्रकृति किस किस काल में कौन कौन सा व्यवसाय था, यानी अधिक कौन सा चल रहा था। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल। इस काल में मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत सीमित थी, और सीमित आवश्यकताओं की वजह से मनुष्य क्या काम करता था, सिर्फ और सिर्फ खाद्यान्न संग्रहण या खाद्य पदार्थों की तलाश करता था, सिर्फ और सिर्फ खाद्य पदार्थों के लिए। और क्या करता था, और करता था आखेट, आखेट यानी शिकार, यानी शिकार करता था और खाद्य पदार्थों के लिए वो इधर उधर घूमता था। ये थी प्रागैतिहासिक काल की अवधि। इस काल के तुरंत बाद में जैसे मान लीजिए नवपाषाण काल बोलते हैं, या उत्तर पाषाण काल। नवपाषाण काल में मनुष्य ने क्या किया था, आग और पहिए का आविष्कार कर लिया था। जिस कारण क्या हुआ था, उत्तरोत्तर इसमें परिवर्तन आता जाएगा। देखो प्रागैतिहासिक काल में तो महत्व किसको दिया था कि आकेट और खाद्य संग्रहण दिया था। उसके बाद में दूसरी अवस्था आती है, आगे चलते हैं, जिसको प्राचीन काल बोलते हैं या प्राचीन काल। कब से कब तक, 1 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक। इसमें क्या हुआ था, यानी ये जो काल था इस काल में मनुष्य क्या करता था, क्योंकि मनुष्य के पास में आग और पहिए का आविष्कार हो चुका था, तो धीरे धीरे मनुष्य की समझ बढ़ी और कुछ पशुओं को उन्होंने क्या बनाया, पालतू बना लिया था। और पालतू बनाने के कारण क्या हुआ था, इस अवधि के अंदर मनुष्य ने कृषि करनी प्रारंभ की थी, कृषि पशुपालन भी शुरू किया था, कृषि और पशुपालन शुरू किया था, क्योंकि मनुष्य की समझ धीरे धीरे थोड़ी बढ़ गई थी। और उस कारण से उसने क्या किया था, प्राचीन काल में ये कार्य होता था, यानी शुरू में तो सिर्फ और सिर्फ अपने पेट भरने के लिए खाद्यान्नों की आवश्यकता पड़ती थी, उतने खाद्यान्न और शिकार करता था। उसके बाद में आग और पहिए का आविष्कार हुआ तो मनुष्य की समझ बढ़ी, और उसके बाद में उसने कृषि और पशुपालन शुरू कर दिया था। अब देखो आगे चलते हैं कौन सी अवस्था में, आगे मध्य काल आता है। मध्यकालीन 600 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी तक, इस अवधि को क्या बोलते हैं, इस अवधि को बोलते हैं राजा महाराजाओं का काल था। इस अवधि के अंतर्गत इस अवधि में क्या होता है, इसमें कृषि तो होती थी, कृषि के साथ पशुपालन ये तो था ही, कृषि पशुपालन, और इसी अवधि के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो खेत थे वो जागीरदारों में बंट गए थे, यानी जागीरदारी
जागीरदारी प्रथा यहीं थी प्रारंभ हुई थी। जागीरदारी के अलावा सामंतवादी प्रथा, यानी बड़े बड़े सामंत हो गए थे। इस काल में क्या हुआ था, यानी मनुष्य ने विकास किया था, मगर मनुष्य ने प्रकृति के साथ में बहुत अधिक छेड़छाड़ करनी प्रारंभ कर दी। उसको प्रकृति की ज्ञान नहीं था, वो कृषि कार्य अवैज्ञानिक तरीके से करते थे, पालतू पशुओं को रखते थे, मगर कुछ ऐसे पशुओं का शिकार भी करते थे जो नष्ट होने के कगार पर थे। राजा महाराजा शोक थे, वो शोक पूरा करने के लिए वो शिकार भी करते थे। ये जागीरदारी व्यवस्था थी इस काल में देखो। उसके बाद में आता है आधुनिक काल, जिसको वर्तमान काल बोलते हैं। आधुनिक काल, आधुनिक काल में क्या होता देखो, आधुनिक काल लगभग 15वीं सदी से लेकर के वर्तमान तक है। महत्वपूर्ण बात यह हुई थी कि इस काल के अंतर्गत क्या बढ़ा, औद्योगिक विकास हुआ। औद्योगिक विकास हुआ जिसके कारण क्या बढ़े, उद्योग धंधे बढ़े, यानी विनिर्माण उद्योगों का बढ़ता महत्व। इस कारण से यहाँ पर क्या हुई, औद्योगिक क्रांति भी इसी काल के अंतर्गत हुई थी। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप लोगों का रुझान कृषि पशुपालन यानी प्राथमिक व्यवसाय से हटकर के किस व्यवसाय में हुआ, द्वितीय व्यवसाय में हुआ। और द्वितीय के बाद में वर्तमान के अंदर जो रुझान है वो आगे देखेंगे हम, तृतीय सेक्टर में बहुत अधिक लोग लगे हुए थे। तृतीय सेक्टर कौन सा होता है, सेवा सेक्टर होता है, जिसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे क्रम से, ठीक है ना। अब देखो मानव व्यवसाय की बदलती प्रकृति, ये हो गया क्रम से, प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्रागैतिहासिक काल में सिर्फ और सिर्फ मनुष्य क्या करता था, भोजन संग्रहण करता था, आखेट करता था, ठीक है, और कुछ नहीं करता था। प्राचीन काल में क्या करता था, प्राचीन काल में वो कृषि और पशुपालन करता था। और उसके बाद मध्य काल आता है जो राजा महाराजाओं का काल था, इस काल में प्रकृति को बहुत अधिक नुकसान हुआ था, प्राकृतिक छेड़छाड़ अधिक हुई थी। उसके बाद वर्तमान काल है वो, उसको बोल सकते हैं औद्योगिक काल, ठीक है ना। अब देखो ये तो होगी मानव व्यवसायों की बदलती प्रकृति। अब देखो व्यवसाय है कौन कौन से, इनको एक टेबल के माध्यम से हम देखेंगे। मानव व्यवसाय के यानी पांच क्षेत्र बताए हैं, अर्थव्यवस्था के पांच क्षेत्र जिसके अंतर्गत मनुष्य कार्य करता है। पांचों क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की क्रियाएं होती है, इनकी अलग अलग पहचान होती है। देखो इनको एक टेबल के माध्यम से तैयार करेंगे, अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र, देखो कितने क्षेत्र हैं, पांच क्षेत्र हैं। तो सबसे पहले इधर लिखेंगे व्यवसाय के प्रकार, यानी क्या काम है, व्यवसाय के प्रकार यानी कौन कौन से व्यवसाय होते हैं। उसके बाद में आगे लिखेंगे इधर प्राथमिक, इधर द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम। शुरुआत मैंने बताया था पहले तीन क्षेत्र थे अर्थव्यवस्था में काम करने के, उसके बाद में जीन गोट मैंने दो क्षेत्र और आगे बताया कि इनमें जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। अब देखो ये व्यवसाय हो गए, अब व्यवसाय में जो काम कर रहे हैं ना इनकी पहचान क्या है, कि इस क्षेत्र में जो व्यक्ति काम कर रहा है उसकी पहचान क्या है, द्वितीय में काम कर रहा है उसकी पहचान क्या है, तृतीय में काम कर रहा है उसकी पहचान क्या है, इस प्रकार से अलग अलग इनकी पहचान होती है। और वो पहचान किसके माध्यम से करते हैं, वो पहचान करते हैं श्रमिकों के जो कपड़े हैं ना, कपड़े पहनने के आधार पर, या यूँ कह सकते हैं उनके कॉलर के कलर के आधार पर निर्धारित करते हैं कि इस क्षेत्र में जो काम करने वाले श्रमिक होते हैं वो कौन सी कॉलर के होते हैं। और अलग अलग प्रकार देखो, यहाँ लिखेंगे पहचान, पहचान में सबसे पहले देखो प्राथमिक क्षेत्र में जो काम करते हैं ना श्रमिक, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं रेड कॉलर श्रमिक, यानी लाल कॉलर श्रमिक बोलते हैं, रेड कॉलर। द्वितीय सेक्टर में जो काम करते हैं यानी दूसरे सेक्टर में, प्राथमिक क्या हो गया रेड कॉलर हो गया, द्वितीय सेक्टर में जो काम करते हैं उसको बोलते हैं ब्लू नीला, ब्लू कॉलर श्रमिक। तृतीय सेक्टर में जो व्यक्ति काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पिंक यानी गुलाबी कलर की, पिंक कॉलर के श्रमिक। चतुर्थ सेक्टर में जो काम करते हैं उसको बोलते हैं व्हाइट या सफेद कॉलर श्रमिक बोलते हैं, सफेद।
और सबसे उच्च होता है वो पंचम व्यवसाय होता है। पंचम व्यवसाय में काम करने वाले श्रमिकों को क्या बोलते हैं? गोल्ड कोलर, कोलर श्रमिक। यानी हम देखते हैं कि सड़कों के किनारे सड़क निर्माण होता है, तब उनकी अलग अलग प्रकार की शर्ट पहना होता है। कुछ श्रमिकों के रेड कलर का पहना होता है, कुछ के ब्लू का होता है। यानी वो काम करने के अलग अलग क्षेत्र है सरकार द्वारा निर्धारित किए हुए, या यूं कह सकते हैं अर्थव्यवस्था में इनका निर्धारित स्थान होता है। तो ये तो यहाँ क्या हो गई, पहचान हो गई। इस क्षेत्र में जो काम करने वाले श्रमिक है उनकी कोलर का रंग क्या है, कोलर के आधार पर देखा है अपने, ठीक है ना। अब देखो इस क्षेत्र में काम क्या क्या आते हैं, इनका हम विस्तार से एक दिन करेंगे आगे, क्योंकि काम करने के आधार पर विश्व के किन किन क्षेत्रों में प्राथमिक क्रियाकलाप अधिक होता है, विश्व के किन क्षेत्रों में द्वितीयक, और कौन से राष्ट्रों के अंदर अभी भी प्राथमिक क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या पाई जाती है। देखो प्राथमिक क्षेत्र होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ उत्पादन होता है। किसी वस्तु का उत्पादन कहाँ होता है? प्राथमिक क्षेत्र में। तो इसको क्या बोलते हैं? उत्पादन क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पादन क्षेत्र। यानी किसी वस्तु का अगर उत्पादन होता है तो वो कहाँ होता है? प्राथमिक क्षेत्र में होता है। यानी प्राथमिक क्षेत्र में जो भी काम होते हैं वो उत्पादन से संबंधित काम होते हैं। तो काम कौन कौन से हो जाएंगे? कृषि। उत्पादन किससे होता है? कृषि से होता है, कृषि। पशुपालन से होता है, पशुपालन। मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, और खनन। खनिजों को निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको खनन बोलते हैं। यानी भूमि के आंतरिक भाग में दबे हुए खनिजों को निकालने की प्रक्रिया होती है उसे खनन बोलते हैं। अब देखो खनन के माध्यम से खनिज निकाले जाते हैं, कृषि के माध्यम से विभिन्न प्रकार के तरह तरह के खाद्यान्नों का उत्पादन होता है, पशुपालन, पशुओं से विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन के कारण लोगों का आहार मिलता है, मुर्गी पालन, ये सब काम कहाँ होते हैं? क्यों कह सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र को क्या बोलते हैं? उत्पादन क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पादन क्षेत्र। दूसरे प्रकार का द्वितीयक क्षेत्र है। अब द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंदर जितने भी उत्पादन प्राप्त हुए थे ना, उन उत्पादनों को क्या होता है? पुनर्निर्माण होता है। यूं कह सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र से उत्पादित होने वाली वस्तु सीधी मनुष्य के उपयोग में काम योग्य नहीं है, यानी काम लेने योग्य नहीं। इस कारण से क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्र में बोलते हैं इसको औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? औद्योगिक। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कृषि से अपने को प्राप्त, या मान लीजिए जंगल के अंदर से अपने लकड़ी प्राप्त होगी, लकड़ी का एक पेड़ मिला तो सूखा था, उस पेड़ को लाकर के हम क्या सीधे घर में रख सकते हैं? घर में नहीं रख सकते। उसको क्या करेंगे? उसको उद्योग वाले क्या करेंगे? अपने घर के अंदर रखने के योग्य फर्नीचर बनाएंगे, और फर्नीचर बनाने के पश्चात हम क्या करेंगे? उसको घर में रखेंगे। तो इसको उद्योग, यानी ये सारे कार्य संपन्न कहाँ होते हैं? ये होते हैं उद्योगों में। तो इसमें क्या होता है? विनिर्माण होता है। यानी निर्मित की गई वस्तु का, यानी उत्पादन की गई वस्तु का पुनः क्या होता है? विनिर्माण होता है। विनिर्माण के अलावा क्या होता है? प्रसंस्करण। प्रसंस्करण यानी जो कच्चा उत्पादन प्राप्त होता है, यानी भूमि के आंतरिक भाग से कच्चा खनिज निकलता है, जैसे मान लीजिए पेट्रोलियम है, तो पेट्रोलियम को शुद्ध कहां करता है? औद्योगिक क्षेत्र में करते हैं। तो द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है? प्रसंस्करण, यानी उसका शुद्धिकरण होता है। विनिर्माण होता है, यानी इसको बोल सकते हैं औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है ना, यानी औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं। तीसरे प्रकार का तृतीय क्षेत्र वर्तमान के अंदर सबसे अधिक चलन में है, तो तृतीय क्षेत्र है। तृतीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र। इसको सेवा क्षेत्र क्यों बोलते हैं? देखो इस प्रकार का जो क्षेत्र होता है ना, इसमें अमूर्त सेवाएं दी जाती है। इसके अंदर नहीं तो उत्पादन होता है, नहीं क्या होता है? विनिर्माण होता है। अगर होता है तो दोनों साथ साथ में होता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अपने डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर क्या करेगा? पर्ची के ऊपर दवाई लिख के दे देगा, और उसके बाद हम जैसी दिशा निर्देश होगी उसके अनुसार दवाई देंगे। या मान लीजिए शिक्षक होता है, तो विद्यालय में जो बालक पढ़ता है वो शिक्षा लेने जाता है, तो क्या शिक्षक बैग भर के उसको शिक्षा पकड़ाता है? नहीं पकड़ाता ना। यानी उसका कोई आकार नहीं होता है, वो पढ़ा के चला जाता है, और पढ़ाने के बदले में क्या लेता है? अर्थ, यानी मुद्रा लेता है, और उससे उसका आर्थिक मुद्र चलता है। तो कह सकते हैं इसको सेवा क्षेत्र या अमूर्त सेवाएं दी जाती है। क्या दी जाती है? अमूर्त, यानी जिसका कोई आकार नहीं होता है, यानी इसको अमूर्त सेवा क्षेत्र बोलते हैं। तो इसमें लिख दो, इसमें जैसे मान लीजिए बस में जाते हैं, अपन सफर करते हैं, तो परिवहन हो गया, परिवहन, संचार, शिक्षक, डॉक्टर, दुकानदार, या यूं कह सकते हैं व्यापार, वाणिज्य, ये सब प्रक्रियाएं किस में आती है? ये आती है तृतीयक सेक्टर में, तीसरे सेक्टर में आती है। और हर कोई व्यक्ति, आज का व्यक्ति क्या कर सकता है? आज का हर व्यक्ति ये जाता है कि मैं
किस सेक्टर में जाऊं, तृतीय सेक्टर में जाऊं, चतुर्थक सेक्टर। इसका बाद में मैंने बताया था, इनका बाद में जोड़ा था अर्थव्यवस्था में, जीन गोट में ने जोड़ा था, उससे पहले ये नहीं थे। उससे पहले अर्थव्यवस्था में केवल तीन ही क्षेत्र थे। आगे देखो जिसको बोलते हैं चतुर्थक सेक्टर। चतुर्थक सेक्टर में अप्रत्यक्ष सेवाएं दी जाती है। क्या दी जाती है? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष सेवा मन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम पढ़ते हैं कि भारत की जनसंख्या 32,37,263, अरे जनसंख्या भारत की जनसंख्या कितनी है, भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। तो भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है, क्षेत्रफल 32,37,263 वर्ग किलोमीटर। तो ये आंकड़े अपने को मिले कहाँ से, इन आंकड़ों का संग्रहण कहाँ से किया, इनके ऊपर अनुसंधान हुआ, फिर ये आंकड़े प्रकीर्ण हुए यानी लोगों तक गए। तो इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग कौन से होते हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से सेवा देते हैं। तो इस क्षेत्र में होता है क्या है, सूचना का शोध होता है, सूचना शोध, अनुसंधान और आंकड़ों का प्रसारण होता है। आंकड़ों का संग्रहण भी यही होता है, आंकड़ों का संग्रहण और प्रसारण यही होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। चौथा सेक्टर जिसको सफेद गोल श्रमिक बोलते हैं, यानी ये अप्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, सेवाएं देते हैं। अब देखो पांचवा सेक्टर आता है गोल्ड सेक्टर, जिसको सबसे उच्च सेक्टर मानते हैं। और इस सेक्टर में क्या होता है, इस सेक्टर में जैसे देश स्तर का निर्णय लेने वाला कोई व्यक्ति होता है, या देश का मुख्य व्यक्ति होता है, या फिर यूं कह सकते हैं वैज्ञानिक आ सकते हैं। तो देश का मुख्य नीति निर्माण करने वाले, नीति निर्माणकर्ता, वैज्ञानिक, मुख्य सलाहकार, यानी देश के बड़े स्तर के, यूं कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर का जो मंत्रिमंडल होता है नीति निर्माण करने वाले होते हैं, उसके अलावा देश के वैज्ञानिक होते हैं, या फिर राष्ट्र के संबंध में अच्छी सलाह देने वाले मुख्य सलाहकार होते हैं, वो कौन से सेक्टर में आते हैं, पांचवें सेक्टर में आते हैं। अब देखो इसके अलावा यानी वर्तमान के अंदर पांचवें सेक्टर में कितने लोग लगे हुए हैं, चतुर्थ में कितने लगे हुए हैं, तृतीय में कितने लगे हुए हैं, द्वितीय में कितने लगे हैं, प्राथमिक में कितने लगे हुए हैं, देखो कितने कितने लगे हुए हैं। एक टेबल के माध्यम से आपका पूरा सेटअप तैयार हो जाएगा। यहां लिख देता हूं कार्यरत श्रमिक, कार्यरत श्रमिक। प्राथमिक सेक्टर में पहले अधिक था, मैंने बताया था कि एक जो काल बताए थे उन कालों के अनुसार देखें तो पहले बहुत अधिक था, वर्तमान में क्या है, कम है। वर्तमान 10% जनसंख्या प्राथमिक सेक्टर में लगी हुई है, 20% जनसंख्या द्वितीयक सेक्टर में लगी हुई है, और बहुत ही बड़ा जनसंख्या का विशाल समूह है 60% जनसंख्या। जैसे मान लीजिए आप पढ़ लिख करके क्या बनोगे, आप पढ़ लिख कर यानी एमए बीएड करने के बाद में आप ये सोचोगे क्या मैं कृषि कार्य करूं, पशुपालन करूं, आप क्या सोचोगे, आप सोचोगे बिना इन्वेस्ट किए, या अगर इन्वेस्ट करोगे तो लाभ हानि दोनों रहेगी, आप सोचोगे बिना इन्वेस्ट किए मैं इस सेक्टर में चला जाऊं जिसके अंदर क्या है प्रॉफिट है, हानि की कोई डर नहीं है। तो लगभग 60% जनसंख्या का किस सेक्टर में काम कर रही है, वो कर रही है तृतीयक में, और यहां पर मात्र 5% है। यानी अनुपात धीरे धीरे किस क्षेत्र का बढ़ रहा है, यानी शुरुआत में किसका था, प्राथमिक का अधिक था, उसके बाद में द्वितीयक क्षेत्र, जब औद्योगिक क्रांति हुई थी उस समय द्वितीयक क्षेत्र का अधिक रुझान बढ़ा, और वर्तमान के अंदर कौन सा है, वर्तमान के अंदर तृतीयक क्षेत्र बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, इसमें लोग हर कोई काम करना चाहता है, ठीक है ना। तो ये अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हो गए, 5 क्षेत्र हो गए। अब देखो प्राथमिक क्षेत्र के लोग यानी प्राथमिक क्षेत्र के कार्य आज भी कहाँ कहाँ लोग करते हैं, ठीक है ना। देखो प्राथमिक क्षेत्र के में काम करने वाले लोग वहीं मिलेंगे जहां जलवायु कठोर होगी, विषम प्रकार की जलवायु होगी, वहां पर ये इस प्रकार का कार्य करते हैं लोग। देखो कहां करते हैं, एक तो करते हैं उष्णकटिबंधीय, या यूं कह सकते हैं भूमध्य रेखा के आसपास, उष्णकटिबंधीय प्रदेश, यानी भूमध्य रेखा से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य ये कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार के कार्य करते हैं ना यहाँ पर। तो यहाँ आता है प्रमुख क्षेत्र कौन सा आता है, एक तो आता है अमेजन नदी का, जो अमेजन नदी बेसिन है, अमेजन नदी नदी बेसिन,
कांगो राष्ट्र है, गरीब राष्ट्र, कांगो नदी कांगो राष्ट्र, ठीक है। यहाँ पर इसके अलावा कुछ मरुस्थलीय भागों में, मरुस्थलीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्रों के अलावा और कहाँ मिलता है, भारत के पर्वतीय प्रदेशों में, यानी भारत की बात करते हैं तो भारत के पर्वतीय प्रदेशों में। यानी यहां पर होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। दूसरे प्रकार की जो जलवायु आती है जिसमें बोलते हैं समशीतोष्ण, समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु वाले, समशीतोष्ण जलवायु वाले प्रदेश। तो इसमें आता है कनाडा का प्रेरी, घास का मैदान है प्रेरी मैदान, संयुक्त राज्य अमेरिका का कुछ भाग, यूएसए का कुछ भाग आता है। इसके अलावा और कौन से क्षेत्र आता है, साइबेरिया आ जाएगा टुंड्रा प्रदेश में, ये दो प्रकार के, या फिर यूं बोल सकते हैं कि समशीतोष्ण में अधिक क्या आते हैं, चक्रवात आते हैं, तो चक्रवातीय प्रदेश, यानी जहां पर चक्रवात हमेशा आते रहते हैं चक्रवातीय प्रदेशों में प्राथमिक क्रियाएं अधिक होती है। तीसरा क्षेत्र कौन सा है, तीसरा क्षेत्र है शीत कटिबंध, जो सबसे ठंडा है, शीत कटिबंध प्रदेशों में आता है आपके टुंड्रा प्रदेश जितने भी है, साइबेरिया का क्षेत्र। इन क्षेत्रों में क्या होता है, प्राथमिक क्रियाएं अधिक होती है, यानी यहां पर प्राथमिक क्रियाकलाप अधिक होते हैं। द्वितीय क्रियाकलापों की बात करते हैं तो द्वितीय क्रियाकलाप यूं कह सकते हैं, देशों की बात करते हैं तो देशों के आधार पर आज भी देखो जो मुख्य रूप से विकासशील राष्ट्र है, यानी राष्ट्र कैसे हैं, विकासशील राष्ट्र हैं, तो विकासशील राष्ट्रों में आज भी कौन सा क्रियाकलाप अधिक होता है, तो उसमें अधिक होते हैं प्राथमिक और द्वितीयक, यानी ये क्रियाएं अधिक होती है आज भी विकासशील राष्ट्रों के अंदर, क्योंकि उनके पास में अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं होने की वजह से वो क्या है, दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहते हैं। और विकसित राष्ट्रों ने क्या कर दिया, विकसित राष्ट्रों ने इन क्षेत्रों को त्याग दिया, उसको उनको पता है कि भी इनके अंदर अपन क्या करेंगे, प्राथमिक छोड़ करके द्वितीय के अंदर अपने क्या करना पड़ेगा, राशि इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, इन्वेस्ट के माध्यम से क्या करना पड़ेगा, लाभ हम दोनों का डर रहता है। तो विकसित राष्ट्रों में क्या होता है, विकसित राष्ट्रों में तृतीयक सेक्टर का रुझान बहुत अधिक है, यानी वो सिर्फ और सिर्फ अमूर्त सेवाएं देकर के अपनी आय मजबूत करते हैं, अपना पक्ष मजबूत करते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि राष्ट्र, विकासशील राष्ट्रों में तो कौन सा प्राथमिक द्वितीयक और विकसित राष्ट्रों में कौन सा है, तृतीयक सेक्टर मजबूत है, तृतीयक सेक्टर में सर्वाधिक श्रमिक कार्यरत रहते हैं। अब देखो ये सात पार्ट हो गए पूरे, और सातवां पार्ट अपने पढ़ा था मानव व्यवसाय। अब मानव व्यवसाय जितने मैंने बताए थे, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक चतुर्थक और पंचम, इन पांचों सेक्टरों के अलग अलग आपके पार्ट आए हुए हैं, आठवां नौवां दो पार्ट आपके इन्हीं टॉपिकों के हैं, प्राथमिक का द्वितीयक तृतीयक चतुर्थक और पंचम सेक्टरों का है, जिसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब देखो सात पार्ट अपने क्रम से हो चुके हैं, इन सातों पार्टों को आप अच्छी प्रकार से नोट्स बना करके, हो सकता है आपको पीडीएफ फाइल भी मिल जाए, पीडीएफ फाइल बना तो रहा हूँ और कुछ दिनों आपको मिल जाएगी पीडीएफ फाइल, पीडीएफ फाइल के माध्यम से भी आपको नोट्स आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, जिनको आप वीडियो के बराबर देख करके अच्छी प्रकार से इनको तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। धन्यवाद।